कि आरएसएस के कार्यकर्ता जिस तरीके से देश में इस तरीके की नीति अपनाकर और देश में एक नई शक्ति बनाने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ये देश में एक नफरत की राजनीति कर लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि समाजवादी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के मुंबई अध्यक्ष, झुंझारू नेता, युवा नेता, कर्मठ नेता शाहनवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। शाहनवाज खान साहब, कोरोना काल और कोविड 19 के बाद में इस तरह के जो मेडिकल कैंप में, हमने ये सवाल कई लोगों से पूछा, इसकी कितनी ज़रूरत है? आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से कोविड की महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, ना कि हमारे मुंबई शहर, ना कि हमारा महाराष्ट्र, ना ही हमारा देश, पूरी दुनिया इससे तरस ग्रस्त हुई और लोगों में हाहाकार मच गया। ये किस तरीके की महामारी थी कि जिससे पूरी दुनिया में एक नई घबराहट पैदा हुई कि ये किस किस्म की बीमारी है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि कोविड के बाद से जो इस तरीके के कैंप रखकर लोगों के मेडिकल चेकअप का काम आज समाज में हो रहा है, ये एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। हमारे मुंबई सचिव राजेश सिद्दीकी साहब एक बहुत ही सामाजिक आदमी भी हैं और यहाँ लोगों के बहुत काम इन्होंने किए हैं। पॉलिटिकल हैसियत से हटके भी इन्होंने काफ़ी सामाजिक काम किया है और इस कैंप में आज आकर मुझे ये बेहद खुशी हुई। और जिस तरीके से कैंप को ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरीके के सहूलियात आज मैंने यहाँ इस कैंप में देखी, मैंने इतना हाईटेक कैंप अभी तक नहीं देखा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ साजिद सिद्दीकी साहब को और मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस तरीके के कैंप इस पूरे वार्ड में हर जगह और भी लगाए जाएँ, इस तालुके में और भी लगाए जाएँ, इस डिस्ट्रिक्ट में और भी लगाए जाएँ। जैसे कि आप मुंबई अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की, जैसे अभी भाई ने बताया मुझे कि बहुत अच्छी टीम आपने मजबूत बनाई है टीम, तो आपकी टीम इस मौके पे क्या काम कर रही है और क्या काम किए हैं या आगे क्या मुस्तकबिल में क्या आपके प्लान है? हमारे अध्यक्ष माननीय श्री अबू आसिम आजमी साहब का एक ही लक्ष्य है और हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं कि लोक सेवा, और हम हमेशा जो है युवा नीति के साथ लोक सेवा करने का काम करते हैं। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद इसमें एक सामाजिक पावर मिलता है, एक प्रशासनिक पावर मिलता है, जिसका उपयोग करके हम एक बढ़िया एक समीकरण बना करके एक संकल्प लेते हुए अपने समाज को और अपने लोगों को मिला करके एक बढ़िया काम करने का काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड एक तरह से देखा जाए तो नौजवानों का ब्रिगेड है, तो इसकी क्या वजह है, क्यों बनाया गया समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी हमेशा से समाजवादी पार्टी नहीं, जैसा कि आप जानते होंगे कि सारी पार्टियों में अलग अलग विंग्स होते हैं, अलग अलग फ्रंटल सेल होते हैं। जिस तरीके से एक बेसिक सेल होता है, यूजन होता है, यूथ ब्रिगेड होता है, महिला होता है, माइनॉरिटी होता है, छात्र सभा होता है, इसी तरीके से एक मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड एक फ्रंटल सेल हमारी समाजवादी पार्टी में है और जिसपे हम लोगों ने हमेशा से प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े। और युवा शक्ति आप जिस तरीके से जानते हैं, आप मीडिया साथी हमेशा से आप लोगों ने देखा होगा कि आज देश में युवाओं को आगे लाने की बहुत ज़रूरत है और युवा शक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। अगर देश को एक सही दिशा में लेके जाना है तो युवा शक्ति को आगे लाना होगा। जैसे हम देखते हैं कि जो आज पूरे मुल्क में जिसका कब्जा है, हुकूमत भी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक विंग है आरएसएस। आरएसएस ने आप पूरे आज हिंदुस्तान भर में अपने आप को बहुत मजबूत किया और अपने जो उनके सेवक हैं उनको बाकायदा कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ तक कि हमने देखा कि सिर्फ लाठियाँ ही नहीं, बर्ची और तलवारों की भी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो क्या मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेडियर यूपी से लेकर इस महाराष्ट्र तक ऐसा कोई ट्रेनिंग कैंप चला रही है, चलाने का इरादा है, और अगर इरादा है तो क्यों है, क्या मकसद क्या है इसका? जिस तरह से आरएसएस कर रही है, क्या उस तरह से आप लोग काम करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं? जिस तरीके से आपने कहा और आरएसएस के बारे में बताया कि आरएसएस के कार्यकर्ता जिस तरीके से देश में इस तरीके की नीति अपनाकर और देश में एक नई शक्ति बनाने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ये देश में एक नफरत की राजनीति कर लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म एक समान लेकर चलने की बात की है
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, माननीय आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की जितने विचारधारा थे, उन विचारधारा को अगर आप देखें और अगर पढ़ें तो सिर्फ यही होगा कि सर्वधर्म एक समान जी। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी पार्टी, आपका कैडर जो है डंडे और लाठी पर विश्वास नहीं रखता है, लोगों के साथ में प्यार मोहब्बत से बात होती है। हमेशा से हम लोगों की नीति, हमारी विचारधारा गांधीवादी रही है और गांधी जी ने हमेशा से अहिंसा के खिलाफ लड़ना सिखाया है और हिंसा के खिलाफ लड़ना सिखाया है और अहिंसा के साथ साथ चलना सिखाया है। तो इसीलिए हम लोगों ने हमेशा से लोगों को अपना बनाने के लिए, लोगों के सेवा, लोगों को सारे सर्वधर्म को एक साथ लेके चलना, यही कार्य करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख खान साहब, आमने सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ राशिद सिंह।